श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के तूफान में उड़े नीदरलैंड के बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाजों ने ठोके तूफानी शतक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों आप भी श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की तूफानी बल्लेबाजी देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों भारत और नीदरलैंड के बीच आज वर्ल्ड कप 2023 का बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जहाँ पर केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। लेकिन दोस्तों उससे पहले, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों हम बात करें यहाँ पर आज के मुकाबले के टॉस की, तो रोहित ने सिक्का उछाला और गिरा भी रोहित के ही पक्ष में। रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया बगैर किसी बदलाव के मैदान पर उतरी, तो वहीं पर शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी नीदरलैंड। टीम इंडिया की तरफ से रोहित और गिल पारी की शुरुआत करने उतरे, तो पहले ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने कमाल का शॉट खेलते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों पहले ओवर की ही तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट ठीक उसी प्रकार से देखने को मिला। बैक टू बैक एक ओवर में दो चौके उन्होंने जड़ दिए। लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका ऑफ साइड की तरफ देखने को मिला, जो कि एक कमाल का शॉट था। इसके बाद दोस्तों इस मुकाबले का पहला छक्का शुभमन गिल के बल्ले से तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने आर्यन दत्त की गेंद को कमाल का शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से 95 मीटर दूर एक कमाल के छक्के के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद रोहित भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी पांचवें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए दो बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले, जहां पर एक चौका उन्होंने मिड ऑफ की तरफ जड़ दिया तो एक चौका शानदार कट के जरिए कवर की तरफ 4 रनों के लिए भेजा। इसके बाद छठे ओवर में भी शुभमन गिल की दमदार बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर शुभमन गिल ने छठे ओवर की पहली गेंद पर एक कमाल का चौका जड़ दिया और इस बार गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए भेजा। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला, जहां पर उन्होंने एक बार फिर फाइनल लेग की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए भेजा और इस बार 60 मीटर का छक्का उनके बल्ले से निकला। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका उनके बल्ले से निकला, जिसके चलते 16 रन इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने बटोर लिए। तो वहीं पर रोहित शर्मा के बल्ले से पहला छक्का 7वें ओवर की चौथी गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने एकरमैन की गेंद पर कमाल का शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला और गेंद को 92 मीटर दूर 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया और इसके साथ एक साल में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। तो वहीं पर 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और कमाल का छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला, यहाँ पर भी उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर 10वें ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेलते हुए इस बार भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 82 मीटर दूर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद उनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट भी देखने को मिला, जब 10वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया और भारतीय टीम के लिए कमाल की शुरुआत करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती 10 ओवर में ही 91 रन जोड़ दिए बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। आज इनकी तूफानी बल्लेबाजी रही, जहां पर मात्र 30 गेंदों पर ही इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया के लिए मात्र 72 गेंदों पर ही दोनों बल्लेबाजों ने शतकीय साझेदारी कर डाली। इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर, लेकिन यहाँ पर तेजा निदामारो के एक बेहतरीन कैच ने पेवेलियन भेज दिया शुभमन गिल को। शुभमन गिल 32 गेंदों पर 51 रनों की शानदार पारी खेलकर पेवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा की बारी थी, तो उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा का एक और कमाल का अर्धशतक यहां पर देखने को मिला। इसके बाद उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और एक स्लॉग स्वीप के जरिए उन्होंने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक कमाल का छक्का और जड़ दिया। अब वो रोहित शर्मा को विराट कोहली के साथ मिलकर टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन तभी दोस्तों यहां पर भारतीय टीम को 18वें ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा के रूप में एक और झटका लगा। यहां पर बरसे ने बेहतरीन कैच पकड़ा और रोहित शर्मा शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां पर 54 गेंदों पर 61 रनों की पारी खेलकर वो पेवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर और विराट कोहली के बीच अब साझेदारी की बेहतरीन उम्मीद थी। आते ही एक चौका श्रेयस अय्यर ने लगाया, लेकिन इसके बाद 21वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर तो उन्होंने कमाल का छक्का जड़ दिया और भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद इसी ओवर की अगली गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की यह दमदार बल्लेबाजी जारी रही। 26वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला।
इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने एक और चौका 26वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी जड़ दिया। यहां पर भी गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर डाली, जहाँ पर 48 गेंदों पर 50 रनों की साझेदारी हुई, जिसमें सरेश अय्यर का योगदान कम रहा, लेकिन इसके बाद उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और कमाल का चौका उन्होंने मिडविकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से लगा दिया। तो उसके बाद एक शॉर्ट गेंद पर उन्होंने एक और कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 28वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल के साथ विराट कोहली ने अपने वनडे कैरियर का 71वां अर्धशतक पूरा कर दिया। कमाल की बल्लेबाजी रही रोहित की और सरेश के साथ उन्होंने इस साझेदारी को और भी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों अर्धशतक के बाद 29वें ओवर की चौथी गेंद पर वेन डेर मर्वे ने यहां पर बोल्ड करके पेवलियन भेजा विराट कोहली को, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी जरूर की लेकिन एक गलत टाइम पर वो आउट होकर पेवलियन लौटे। उन्होंने 56 गेंदों पर 51 रनों की एक शानदार पारी खेली। इसके बाद नए बल्लेबाज केएल राहुल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने भी आते ही एक कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 21 से 30 ओवर के बीच भी शानदार तरीके से 71 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों 31वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका सरेश अय्यर के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए भेजा। तो उसके बाद एक बेहतरीन कवर ड्राइव उनके बल्ले से देखने को मिली 34वें ओवर की 5वीं गेंद पर और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने भी अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 35वें ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल के बल्ले से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने कट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद 36वें ओवर की चौथी गेंद पर सरेश अय्यर ने एक और इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से 4 रनों के लिए भेज दिया और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच एक बार फिर शानदार तरीके से 47 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। लेकिन इस पार्टनरशिप में योगदान कम था केएल राहुल का, लेकिन इसके बाद उन्होंने 38वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक कमाल का चौका टिप्स कर्ले की तरफ लगाया। तो वहीं पर इसके बाद 39वें ओवर की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से एक शॉर्ट गेंद पर एक और कमाल का चौका देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने शानदार तरीके से को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद एक और शानदार कट शॉट के जरिए भी यहां पर बेहतरीन चौका केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला। जहाँ पर दोस्तों शतक के बाद तो तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सरेश अय्यर ने अपने स्कोर को और भी तेज़ी से आगे बढ़ाया और 49वें ओवर में उनके बल्ले से पहली गेंद पर एक कमाल का छक्का देखने को मिला और इस छक्के के साथ ही टीम का स्कोर तो तेज़ी से आगे बढ़ा ही, साथ ही इन्होंने भी अपना स्कोर आगे बढ़ा दिया। उसके बाद दोस्तों इसी ओवर की अगली गेंद पर एक और कमाल का छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला और दो गेंदों पर दो बेहतरीन छक्के यहाँ पर सरेश अय्यर ने जड़ दिए। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद को भी उन्होंने नहीं बख्शा और इस 5वीं गेंद पर भी एक
एक और कमाल का छक्का डीप मिडविकेट के ऊपर से श्रेयस अय्यर के बल्ले से देखने को मिला। यह भी अद्भुत शॉट था। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका देखने को मिला, जिसके चलते इस ओवर में वेन बिक के 25 रन बटोर लिए केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने। इसके बाद दोस्तों 50वें ओवर की पहली गेंद पर भी बेहतरीन छक्का केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला और वो 95 रनों पर पहुंच गए थे। लेकिन इसके बाद दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से निकले हुए एक और कमाल के छक्के ने यहां पर उनके स्कोर को 100 रनों तक पहुंचा दिया और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 62 गेंदों पर अपना शतक ठोक दिया केएल राहुल ने। इसके बाद दोस्तों केएल राहुल शानदार बल्लेबाजी करके पेवेलियन जरूर लौटे, लेकिन उससे पहले ही भारतीय टीम के स्कोर को 408 रनों तक वो पहुँचा गए। लेकिन इसके बाद वो 50वें ओवर की 5वीं गेंद पर अपना केस थमा बैठे एंगल व्रेथ को और अपना विकेट गंवा बैठे। उन्होंने मात्र 64 गेंदों पर 102 रनों की तूफानी बल्लेबाजी की और वो पेवेलियन लौटे। इसके बाद आखिरी गेंद खेलने के लिए उतरे सूर्य कुमार यादव ने 2 रन बटोरे और टीम इंडिया के स्कोर को 410 रनों तक पहुँचाया। तो दोस्तों आज भारतीय बल्लेबाजों की बल्लेबाजी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।